बुधवार 15 फरवरी के दिन आईसीसी ने ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की। आपको बता दें, इस टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम टेस्ट में भी नंबर एक के पायदान पर पहुंच गई। 115 रेटिंग अंकों के साथ टीम इंडिया इस वक्त टेस्ट रैंकिंग में पहले पायदान पर है। लेकिन अब आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों से लेकर ऑलराउंडरों की सूची में कई भारतीय खिलाड़ियों को फायदा तो वहीं घाटा पहुंचा है। आपको बता दें कि कभी नंबर एक के पायदान पर टेस्ट क्रिकेट में राज कर रहे विराट कोहली आज इस सूची में काफी नीचे चले गए हैं। जी हाँ, विराट कोहली टॉप 10 तो क्या, अब बल्लेबाज टॉप 15 में भी नहीं आते हैं। विराट कोहली 665 रेटिंग अंकों के साथ अब 16वें पायदान पर हैं। इसी के साथ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को 2 पायदानों का इजाफा हुआ है। रोहित शर्मा जो पहले नंबर 10 के पायदान पर थे, अब 786 रेटिंग अंकों के साथ 8वें पायदान पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 120 रनों की शतकीय पारी की बदौलत रोहित शर्मा को टेस्ट रैंकिंग में ये इजाफा मिला है। विराट कोहली पिछले मुकाबले में 12 रन बनाकर आउट हो गए थे, जिसकी वजह से 15वें पायदान से खिसक कर अब बल्लेबाज 16वें पायदान पर पहुंच गए हैं। विराट कोहली का टेस्ट फॉर्म टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। भारतीय पूर्व कप्तान लिमिटेड प्रारूप में तो अपने बल्ले से जलवा बिखेर ही चुके हैं और एक अच्छा खासा कमबैक कर चुके हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली के लिए अभी भी राह काफी मुश्किल नजर आ रही है। उनका बल्ला बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है। विराट कोहली के रनों का अभी भी अकाल पड़ा हुआ है। वहीं अगर गेंदबाजों की सूची की बात करें तो इस सूची में भारतीय दिग्गज गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन दूसरे पायदान पर बने हुए हैं। वहीं क्रिकेट से लंबे समय से बाहर चल रहे जसप्रीत बुमराह भी 5वें नंबर पर हैं। वहीं ऑलराउंडरों की बात करें तो इसमें एक नई एंट्री देखने को मिली है। भारतीय स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल पहली बार टेस्ट में ऑलराउंडरों की सूची में टॉप 10 में आए हैं। अक्षर पटेल 254 रेटिंग अंकों के साथ 6 पायदानों का इजाफा लेते हुए 7वें पायदान पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि टेस्ट ऑलराउंडरों की सूची में भारत के 3 खिलाड़ी टॉप 10 में हैं, जिसमें नंबर 1 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 2 पर रविचंद्रन अश्विन और अब नंबर 7वें पर अक्षर पटेल आ गए हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए टेस्ट मुकाबले में सिर्फ विराट कोहली को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी भारतीय खिलाड़ियों को इजाफा हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।